नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर सी एम टी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। मात्राओं की 60 वीडियो हमारे चैनल पर बन चुकी है। अगर आपको वो लाइन वाइज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी वीडियोज़ को लाइन वाइज देख सकते हैं। अभी हमारी सीरीज़ चल रही है मात्राओं में अंतर। मात्राओं के बारे में हम बेसिक सभी चीज़ें सीख चुके हैं, वाक्य बना चुके हैं, शब्द बना चुके हैं। अब हम मात्राओं में अंतर की सीरीज़ चला रहे हैं। अ और आ में अंतर क्या होता है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ये मात्राओं में अंतर की सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम छोटी ई और बड़ी ई के शब्दों के बीच में विभेद पता करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, और जब हम लिखते हैं शब्दों को हम दोनों में क्या पता कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की। ये वीडियो कई पार्ट में डिवाइड है। पहले मैं दोनों में अंतर बताऊंगा कि छोटी ई और बड़ी ई के शब्द जो वर्ण होते हैं उनमें क्या उच्चारण में अंतर होता है, फिर उनके शब्द में अंतर विभेद बताऊंगा कि अगर छोटी ई लगेगा और बड़ी ई लगेगा तो क्या क्या अंतर आएगा, फिर उनके कुछ वाक्य बनाकर आपको दिखाऊंगा कि वाक्य कैसे लिखते हैं उनके, और फिर आपको थोड़ा सा काम भी दूंगा मैं कि आप उनसे अपने वाक्य कैसे बना सकते हैं, जो असल जिंदगी में वाक्य यूज होते हैं उन वाक्यों को आप कैसे बना सकते हैं। आपको सारी चीजों को देखना है और उसके बाद एक काम करना है कि इसी जिस तरह जिस फॉर्मेट पे ये वीडियो बनी हुई है उसी फॉर्मेट पे आपको अपने शब्द लिखने हैं, और जितनी भी छोटी या बड़ी की मात्रा के शब्द आपको मिलते हैं बुक में उनको अपनी कॉपीज में लिखना है। अगर आप मेरी वीडियोस के द्वारा अभ्यास करेंगे और साथ के साथ अपना 100% देंगे तो आप गारंटीड हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। अब बाकी वीडियोस में हम देखते हैं कि क्या है और सीखते हैं। तो शब्दों की तरफ बढ़ने से पहले हम पहले वर्णों को अलग अलग करके देख लेते हैं। छोटी ई के शब्द पहले आपको इस तरह से लिखने हैं, दोनों पेज पे क से लेकर ज्ञा तक, क से लेकर ज्ञा तक, इस वाले पेज पर ये लिख लेना है और दूसरे वाले पेज पर ये लिख लेना है। हिंदी वर्णमाला मैं पहले बार बार पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती होगी। अब शुरू से सभी वीडियोज़ देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। पहले मात्राओं की सीरीज ज़रूर देख लें। अब इनके बीच में हम अंतर कर रहे हैं। जैसे ये क्या है, हमारा क है, तो क पे क्या करेंगे, इस पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। जितने भी शब्द हैं सब पर छोटी ई की मात्रा लगा लेनी है। लगा लीजिए, लिखते हुए वीडियो को रोककर आप सभी पर मात्राएं लगा लीजिए छोटी ई की। ये क्या होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। इन दोनों शब्दों पर, इन दोनों शब्दों का यूज मत कीजिएगा, सिर्फ इन दोनों का। ये हमारी छोटी ई होती है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर हम दोनों के बीच में विभेद करेंगे। वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर थोड़ा सा समय इसमें दे देंगे तो पूरी लाइफ के लिए आप चीज़ें सीख जाएंगे, और अगर थोड़ा सा समय नहीं देंगे, वीडियोस को लास्ट तक नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं सीखेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी नहीं सुधर सकती ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये सारी क्या है, छोटी ई की मात्रा है। अब इसी तरह बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है, इस तरफ, तो इस तरफ भी मात्रा लगा लेते हैं हम। ऐसे डंडा लगा के ऊपर घुमा दिया, डंडा लगा के आगे घुमा दिया। ये क्या होता है, आ की मात्रा, जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, और आप लोगों का रिस्पांस भी रहा कि हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अब थोड़ा टाइम ले लेकर बिल्कुल खोल खोल कर मैं आपको समझाऊंगा तो मेरी वीडियोज़ थोड़ी लंबी होगी। अब जो आ रही है मात्राओं में सीरीज़, और सभी चीज़ें मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अब ये हो गया हमारा, ये है छोटी ई की मात्रा, ये है बड़ी ई की मात्रा। अब दोनों में क्या होता है, देखिए इसमें अगर इतना टाइम आ रहा है ना तो इसमें इतना टाइम आएगा, खींच के आता है। कैसे, जैसे देखते हैं ये हुआ कि क्या होता है, एकदम कि, मैं आपको समझा रहा था कि आपको ये करना चाहिए कि एकदम से आए, और ये होता है कि, खींच के। ये क्या बना, कि एकदम से, ये बना कि, खींच के थोड़ा, खी खी, गी गी, घी घी। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूँ, ये शब्द लिखा मैंने घी और घी, जैसे हम खाते हैं घी, तो घी कौन सा वाला होता है, ये वाला, ये क्या है घी, ये घी गलत होता है। हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं मैं घी खाता हूँ, घी नहीं खाता, मैं घी खाता हूँ, ठीक है, घी, बड़ी की मात्रा। उसी तरह ची ची छी छी जी जी झी झी टी ठी टी टी ठी ठी डी डी ढी 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 ती ती ठी ठी दी दी धी धी नी नी
अब जैसे कहते हैं वो उसने बहुत पी पी उसने बहुत पी तो वो क्या कहते हैं पी पी नहीं पी ठीक है खींच कर पी ठीक है। फी हो गया हमारा बी बी भी भी मी मी ई ई री री ली ली वी वी शी 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 सी सी ही ही क्षी क्षी त्री त्री गी गी। इन शब्दों का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है ठीक है। और श श श के बीच में अंतर की हम वीडियो बना चुके हैं, बाकी बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको सभी चीज़ें सीखनी है, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो बिल्कुल फ्री वीडियोस है, आप आइए चैनल पर और सभी चीज़ों को लाइन वाइज देखिए। बहुत लोग सीख रहे हैं, पुरानी वीडियोज़ पर लाखों व्यूज़ आते जा रहे हैं, तो आप लोग जाइए और अच्छे से चीज़ों को देखिए। ये तो चीज़ थी पहला कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में बिठाना है कि छोटी की मात्रा इस तरफ होती है और इसका हल्का साउंड आता है, और बड़ी की मात्रा उस तरफ होती है इसका थोड़ा तेज साउंड आता है या लंबा खिंचता है ये ठीक है। इसको लघु कहते हैं, इसको दीर्घ कहते हैं, इसको लघु ई कहते हैं, लघु ई का मतलब हल्का सा आवाज निकलता है, इसको दीर्घ कहते हैं, दीर्घ का मतलब थोड़ा लंबा खिंचता है। अब जैसे हमारे ये छोटी ई की मात्रा के शब्द हैं, जैसे ये क्या बना पिता पिता दी न दिन दी ल दिल भीड़ भीड़ सिरा सिरा है ना, ये बना छोटी की मात्रा। अगर हम इसी पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बना पी ता पिता, और अगर इसको बड़ी की लगाएंगे तो क्या बनेगा पी ता पीता है ना। पिता का मतलब हमारे पिताजी बापूजी ठीक है फादर, और पीता का मतलब ड्रिंक, वो पीता है ना। तो देखिए कितना अंतर हो जाता है शब्दों के अर्थ में, कितना अंतर हो जाता है पिता और पीता। वीडियो के लास्ट में हम इनसे वाक्य भी बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये बना दिन, क्या बना दिन, दिन आज दिन कौन सा है, मंगलवार है सोमवार है बृहस्पतिवार है जो भी है, तो ये क्या है दिन। और ये क्या बना, अगर बड़ी की मात्रा लगा देंगे क्या बनेगा दीन, दीन का मतलब क्या होता है जो गरीब होता है दुखियारी होता है, और दिन का मतलब दिन होता है कोई भी वार ठीक है, और दीन। तो देखिए कितना अंतर है दी दी। इसी तरह दिल, ये क्या बना दिल, और अगर बड़ा कर देंगे तो क्या बनेगा दील, तो दील कोई शब्द नहीं होता, क्या शब्द होता है दिल, छोटी की मात्रा आती है दिल दील दिल दील, तो दील गलत है, दिन दीन, पिता पीता। इसी तरह भीड़, भीड़ का मतलब क्या होता है किसी से लड़ ठीक है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लड़ते रहते हैं या मुझे भी ऐसे कमेंट करते हैं जैसे वो मुझसे भिड़ना चाहते हैं ठीक है, पता नहीं क्यों, किसका क्या नुकसान कर रहा हूँ मैं इन वीडियो से मुझे नहीं पता। तो ये क्या है भीड़, भीड़ का मतलब क्या होता है किसी से लड़ना झगड़ना, और दूसरा होता है भीड़, भीड़ का मतलब आपको पता ही है कि भीड़ बहुत सारे लोगों की भीड़ ठीक है, YouTube पे बहुत लोगों की भीड़ है, बहुत सीखने वाले लोगों की भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते हैं यहाँ पर और सीखते हैं। तीसरा है हमारा सिरा, सिरा क्या बना सी एकदम से निकल गया, अगर इसको हम बड़ी के मात्रा के साथ बनाए तो क्या बनेगा सीखा सी, देखिए ये बना सी सिरा सिरा, और ये बना सीखा, क्या बना सीखा, थोड़ा खींच के आ रहा है ना सिरा सीखा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अब वीडियो के अगले पार्ट में हम कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं। अब जैसे हमारा पहला वाक्य है शनिवार का दिन था, चलिए पेन भी जग गया, शनिवार का दिन था, शनिवार शनि शनि नी एकदम से आया, दिन दिन एकदम से आया, दी है ना दीन आता, शनिवार का दीन था तो दीन गलत हो जाता, शनिवार का दिन था। सविता की नानी खील की थाली लाई, देखते हैं सविता सविता की नानी खील, क्या है खील खींच कर, खील की खील की थाली 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 लाई ठीक है लाई, खील की थाली लाई, सविता की नानी खील की थाली लाई। सविता की बहन कविता थी, क्या है सविता स वी ता, सविता की बहन, इसको बहन और बहिन दोनों कहा जाता है, सविता की बहन कविता थी,
कविता थी। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा, दोनों में अंतर। दूसरे पार्ट में कुछ शब्दों के अंतर देखे कि कैसे अलग अलग मात्राएं हैं। तीसरे पार्ट में हम क्या सीख रहे हैं, वाक्यों का अभ्यास, है ना, वाक्य लिख लिख के देख रहे हैं। चौथे पार्ट में क्या देखेंगे, एक शब्द से वाक्य बनाना सीखेंगे। अच्छे से आप चीज़ों को सीखिए। और जो भी लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोज़ है, जो ऑनलाइन व्हाट्सएप पर मुझसे सीखते हैं उनको भी इसी तरह का एक अलग अभ्यास दिया जाता है। उनके शब्द अलग होते हैं, तो एक बार मैंने कराया हुआ है वो वहाँ से भी सीख सकते हैं। दूसरी बार जब मैं उनको ऑनलाइन कराता हूँ तब भी एक टेस्ट लेता हूँ उनका इन्हीं सब शब्द इन्हीं शब्दों के साथ। और उसके बाद यहाँ पर तीसरी बार ये मैं करा रहा हूँ, ये अलग शब्दों के साथ है। तो आप अच्छे से इन सभी चीज़ों का कीजिए, तीन तीन बार आपका हो रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन मुझसे सीखना व्हाट्सएप के द्वारा, तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन पेड करके पैसे देकर कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बस ऑनलाइन में क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, मैं व्हाट्सएप के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, व्हाट्सएप के द्वारा पोस्ट भी दूंगा आपको, जो आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। सविता चिड़िया पकड़ना चाहती थी। सविता चिड़िया पकड़ना चाहती थी। पकड़ना चाहती थी, सविता चिड़िया पकड़ना चाहती थी। सविता का भाई दिवाकर तिलक लगा कर आया। ठीक है, लिखते हैं इसको। सविता का भाई दिवाकर तिलक लगा कर आया। तिलक लगाकर आया, जब खत्म हो जाए तो पूर्ण विराम। बकरी मामी की साड़ी चबा गई। ठीक है, क्या है, बकरी मामी की साड़ी चबा गई। अगर आपको यहाँ से दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो आप यहाँ से चीज़ों से सीखिए। और देखने के लिए आपको इस तरह का पोस्ट इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और फेसबुक पेज जो आदित्य मोहन ठाकुर है उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी ये पोस्ट मैं डालता रहता हूँ और इनसे अलग अभ्यास भी डालता रहता हूँ। अगर आप सीख लेंगे, आपको अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप दोनों पेजेस को फॉलो कीजिए, वहाँ पे सभी चीज़ें पहले से भी अपलोड है और आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपको मिलती रहेगी। चपरासी मीठी खीर खाकर चला गया। क्या है, गौर से देखिए, चपरासी मीठी दोनों जोर जोर से आए हैं, चपरासी मीठी खीर खाकर चला गया। चपरासी मीठी खीर खाकर चला गया। सचिन माचिस जलाकर चित्र बना रहा था। लास्ट वाक्य हमारा, सचिन माचिस जलाकर चित्र बना रहा था। सचिन माचिस जलाकर चित्र बना रहा था। अब एक बार हम सारे वाक्यों को पढ़ लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। मान लो कोई गलती हो गई होगी, या हमने गलती कर दी होगी, या आपको अच्छे से वाक्य सुनाई नहीं दिया होगा, तो वो चीज़ दोबारा से आप चेक कर सकते हैं। या आप मान लीजिए इन चीज़ों को बिना देखकर सुनना लिखना चाहते हैं, तो एक बार मैं बोल देता हूं, तो आप सुन सुन कर लिखिए खाली। ठीक है, वीडियो को देखना नहीं है, सिर्फ सुन सुन कर लिखते रहिए और बाद में चेक कीजिएगा यहीं से। पुरानी वीडियोज़ पर कुछ लोग कहते हैं कि आप काम चेक कर दीजिए, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उन चीज़ों को चेक करता रहूं। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका ही चेक करने से मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो इसीलिए आपका क्या है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अब ये सब चीज़ें मैंने सिखाई, इन्हीं सब चीज़ों को आप लिख के देखिए और दोनों वीडियोस में से चेक कीजिए कि कितने शब्द गलत हुए और कितने शब्द गलत सही हुए। उसके बाद अपना अलग से अभ्यास देखें कहीं से, उसको बोल बोल कर रिकॉर्ड करिए और फिर उसको लिखें। आप देखेंगे कि आप कैसे से इन चीज़ों का और अधिक फायदा उठा सकते हैं यदि आप खुद से सीख रहे हैं तो। ठीक है, शनिवार का दिन था। शनिवार का दिन था,
सविता की नानी खील की थाली लाई। सविता की नानी खील की थाली लाई। सविता की बहन कविता थी। सविता की बहन कविता थी। सविता चिड़ियाँ पकड़ना चाहती थी। सविता चिड़ियाँ पकड़ना चाहती थी। सविता का भाई दिवाकर तिलक लगा कर आया। सविता का भाई दिवाकर तिलक लगा कर आया। बकरी मामी की सारी चबा गई। बकरी ने क्या किया, मामी की सारी चबा गई। चपरासी मीठी खीर खाकर चला गया। चपरासी मीठी खीर खाकर चला गया। सचिन माचिस जलाकर चित्र बना रहा था। सचिन माचिस जलाकर चित्र बना रहा था। अब जल्दी जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं इसको, इसके लिए जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, डेली 30 दिनों तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब चलिए हम वाक्यों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने अलग अलग तरह से अभ्यास कर लिया, अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि हमें आया कितना है। अब आपको चेक करना है कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया है। ठीक है, देखते हैं अब क्या है। अब वाक्य बनाने हैं। जैसे हमने शब्द पढ़ा था पिता पीता, दिन दीन, भीड़ भीड़। ठीक है, इनसे एक वाक्य बनाकर देखिए। ठीक है, आपको वाक्य लिखना है। वाक्य मुझसे अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है। आप अपना वाक्य बनाइए और उसको देखिए कि सही है या नहीं, गलत है या सही है। कोशिश कीजिए, या अपने आसपास किसी को दिखाने की कोशिश कीजिए, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको दूसरे सब्सक्राइबर ही बता देंगे कि ये सही है या नहीं, अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं मोबाइल पर तो। अब जो मैं शब्द लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही शब्द आपके भी हों, लेकिन जिन जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए यही शब्द काम आएंगे, यही वाक्य काम आएंगे। ठीक है, तो पिता से मेरा पहला वाक्य है, मेरे पिताजी किसान हैं। यह हो गया। दूसरा है, सोनू बहुत दारू पीता है। अब ये पीता बना और ये पिता बना, है ना, पिता और पीता, समझ आ गया। सोनू बहुत दारू पीता है। अगर छोटे छोटे वाक्य लग रहे हैं आपको तो इंस्टाग्राम पे आपको इसका पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब है दिन। आज सोमवार का दिन है। मतलब आज क्या है, सोमवार है। अब ज़रूरी नहीं है आज कौन सा दिन है, आप कौन से दिन ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब है दीन, मेरी नानी दीन जनों की सेवा करती है। मेरी नानी दीन जनों की सेवा करती है, मतलब दीन लोगों की, जो दुख दर्द होता है उनकी सेवा करती है। अब अगला है भीड़। हमें बेवजह किसी से नहीं भिड़ना चाहिए। अगला है भीड़। मैं भीड़ देखकर बाजार से लौट आया। मैं का देखिए, ये होता है मे, जैसे बकड़ी कहती है मे, हम मे पढ़ते हैं ना, MAY मे, वो वाला है ये मे। और मैं का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ में, जैसे ये ऊपर बिंदी आ जाती है तो मैं हो जाता है। ये अनुस्वार वाले में मैंने आपको बताया था, अनुस्वार और अनुनासिक वाले, वीडियो नंबर 44 में। ये मे है, मे, ये मे है, किसी चीज़ में, किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, और ये मैं होता है, मैं का मतलब मैं, खुद के लिए जब हम मैं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैं भीड़ देख कर बाजार से लौट आया।
अब देखिए, हर चीज़ को पढ़ाने का, हर चीज़ को कराने का लेवल होता है। पुरानी वीडियोस जो मैंने बनाई थी उसमें थोड़े हल्के हल्के शब्द लिए थे, सेंटेंस थोड़े हल्के हल्के कराए थे, लेकिन ये जो मात्राओं वाली सीरीज़ है इसमें थोड़े लंबे लंबे सेंटेंस ले रहा हूँ, थोड़े बड़े बड़े ले रहा हूँ, कठिन शब्द नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनमें ज़्यादातर कठिन शब्द नहीं आते। ठीक है, तो अब अगर शुरू से सभी वीडियोज़ देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये सारी वीडियोज़ का फ़ायदा होगा। अब एक बार इन सभी शब्दों को मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, जितने भी मैंने आज वाक्य लिखवाए हैं, ताकि और अच्छे से आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, इसको जल्दी पढ़ देता हूँ क्योंकि पहले भी पढ़ा था मैंने। शनिवार का दिन था, सविता की नानी खील की थाली लाई, सविता की बहन कविता थी, सविता चिड़िया पकड़ना चाहती थी, सविता का भाई दिवाकर तिलक लगा कर आया, बकरी मामी की साड़ी चबा गई। बाकी वाला मिटा दिया मैंने, ठीक है, ज़रूरत पड़ी थी उसकी। आगे बढ़ते हैं, जो अभी हमने वाक्य लिखे थे। अच्छे से आप चैनल पर आइए और अच्छे से वीडियोस को देखिए, बिल्कुल फुल लेंथ वीडियोस है, हर वीडियो को बनाने का कुछ लक्ष्य होता है। इसी तरह आपकी भी कोई प्रॉब्लम होगी, आपकी प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, मैं आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से एक टेस्ट बनाऊंगा, एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा और वो आपका ऑनलाइन कोर्स कराऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, जो आपकी दिक्कत है वो पूरी दिक्कत मुझे बताएंगे तो उसी के अनुसार, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कोर्स करें, आपकी अलग दिक्कत हो सकती है तो आपकी अलग दिक्कत के लिए कस्टमाइज मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको वीडियो भी बनाकर इस चैनल पर पोस्ट करूंगा मैं। ठीक है, ये सपोर्ट के लिए है, ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और आगे हम अपनी टीम बढ़ाएं। ठीक है, अब आगे के शब्द हैं, पिता, मेरे पिताजी किसान हैं, पीता, सोनू बहुत दारू पीता है, दिन, आज सोमवार का दिन है, दिन, दीन, मेरी नानी दीन जनों की सेवा करती है, भीड़, हमें बेवजह किसी से नहीं भिड़ना चाहिए, भीड़, मैं भीड़ देखकर बाजार से लौट आया। भीड़ देखते ही मैं बाजार से लौट आया क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में आपको पता है कि कितनी भीड़ है अभी मार्केट में, बिना मास्क के भी लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये लोगों की गलती है, सरकार की नहीं, सरकार कितने लोगों को कितनी बार समझाएगी। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ऑनलाइन कोर्स में इन वीडियोज़ के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, यही सब चीज़ें होती है, यही सब आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, यही चीज़ आपको ऑनलाइन कोर्स में भी सिखाई जाएगी। बट ऑनलाइन कोर्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं, बार बार सवाल पूछ सकते हैं और उसके ज़रिए हम आपको सपोर्ट भी देंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, ऑफलाइन तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी यहाँ की वीडियोज़ जो है वो बिल्कुल 100% जो चीज़ मैंने समझाई है, जो चीज़ बोली है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कराई है, जितनी भी हिंदी की मात्राएं होती है सभी चीज़ें मैंने आपको कराई है। अब बाकी आगे बढ़ने के लिए जीवन में पैसों की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी काम करना पड़ता है, तो वो भी मैं करूँगा, उन लोगों की सेवा करूँगा जो लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं। बाकी अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियोज़ के द्वारा भी सभी चीज़ें अच्छे से अपलोड है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, क्योंकि मैं इतने लोगों को हैंडल कर भी नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को हैंडल कर सकता हूँ बस। ठीक है, तो 10 लोगों में से भी मेरे पास अभी 4 लोग हैं। तो ये बातें समझ में आ गई आपके, अच्छे से अभ्यास कीजिए और अच्छे से सीखिए। वैसे तो आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, जो लाइन वाइज वीडियोस को देख रहे हैं, फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आदित्य मोहन ठाकुर मेरा हैंडल है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी मेरे पेज को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा, और हमारे भारतवर्ष में ये सब चीज़ें हर लोगों को चाहिए, हर लोग को सीखना है, हर लोगों को मात्राओं की दिक्कत है। इसीलिए मैं ये सारी कोशिशें पिछले 4 सालों से अपने YouTube चैनलों पर कर रहा हूं। बाकी वीडियो उसको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे आसान विद आदित्य चैनल पर आएँ, वहाँ पर लाइन वाइज 260 वीडियोस बनी हुई है। लाइन वाइज वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें, प्लेलिस्ट में सभी चीज़ें लाइन वाइज लगी हुई है।